खबर बलिया। लोकसभा 72 सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि बीजेपी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष व सांसद देवरिया डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी और नीरज शेखर ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर और उनकी पत्नी ने वैदिक मंत्रोच्चारण व हवन पूजन के बीच ईश्वर की आराधना की। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि अमेठी छोड़ रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वह स्मृति ईरानी से डर कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां से भी चुनाव राहुल गांधी हारेंगे और भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेगी। कार्यालय का उद्घाटन था, केंद्रीय कार्यालय का। उसके लिए हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष, हम लोग के नेता और वर्तमान में सांसद आदरणीय रामापति राम त्रिपाठी जी आए थे और आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उसी उपलक्ष्य में सारे जिले पूरे लोकसभा से कार्यकर्ता और नेता आए करते हुए। अच्छा, बलिया सही निर्णय लेता, जो निर्णय लेता सही लेता, इसलिए मुझे पूरा यकीन है बलिया के लोग सही निर्णय लेंगे और सही पार्टी को चुनेंगे जो उनके भविष्य के लिए काम करेंगे। केंद्रीय कार्यालय आज बलिया लोकसभा के लिए हुआ, ये बहुत अचानक कार्यालय है। माननीय चंद्रशेखर जी 8 बार सांसद इसी कार्यालय से हुए, माननीय नीरज जी भी 2 बार सांसद इसी कार्यालय से हुए और फिर से इस कार्यालय को आज जो है केंद्रीय कार्यालय के रूप में चुनाव के लिए आज इसका उद्घाटन माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी ने किया है और इस बार ऐतिहासिक विजय जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि अब चंद्रशेखर जी और भाजपा की दोनों ताकत से इस बार रिकॉर्ड मतों से नीरज शेखर जी जीतेंगे। देखिए, पहले राहुल जी भी लड़ते थे और सोनिया जी भी लड़ती थी। राहुल जी जब अमेठी से हार गए तो अपनी माता जी के सीट पर आकर के रायबरेली लड़ने आए हैं, इस बार वहां से भी हारेंगे। इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा की। अमेठी क्यों छोड़ के भाग गए? हिम्मत थी तो क्यों नहीं लड़ लिए? क्योंकि क्या स्मृति ईरानी जी के सामने लड़ने में डर लग रहा था उनको कि अब आ गए रायबरेली? तो क्या मानते हैं, डर कर राहुल गांधी डर कर स्मृति ईरानी डर करके अमेठी से डर गए? पहले अमेठी से डर के केरल भागे, वहां से भी हार रहे हैं। जब वहां से हार रहे तो अमेठी कर रहे थे अमेठी आके लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े? तो फिर रायबरेली लड़ रहे, इस बार रायबरेली से भी हारेंगे। तो इसलिए सनातन पांडे जी अपना नाम बदले, वो अपना नाम बदले। उनके माता पिताजी आज दुखी होंगे, आज स्वर्ग में उनके माता जी पिताजी दुखी होंगे कि जिस सनातन को मैंने सनातन नाम रखा ये उस पार्टी में काम कर रहा है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सनातन का विरोध कर रही है, तो पहले उस पार्टी से अलग हटे तब जाकर के फिर वोट मांगे बलिया के लोगों से। लेकिन जो उनका नाम रखे, उनके माता पिता बड़ा सोच समझ के रखे थे सनातन, लेकिन सनातन विरोधी पार्टी में काम कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो बलिया में एक तरफा चुनाव है, केवल कमल का कमल मोदी मोदी जो भी जो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।